हेलो गाइस, स्वागत आपका हमारे को नए वीडियो में। एंड इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जब आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए जब अपना बैंक अकाउंट लगाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट करंट अकाउंट होना चाहिए या सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं दो चैनल में चलाता हूँ, दोनों से ही मेरी पेमेंट आती है। तो मेरा करंट अकाउंट का भी एक्सपीरियंस है और सेविंग अकाउंट का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट जैसे कि आपको पता है महंगा खुलता है, बैंक में 5,000 से ऊपर रेंज होती है, सरकारी चाहे प्राइवेट बैंक दोनों में ही। और बात करें अगर सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट जीरो रुपए से भी खुल जाता है, और बाकी 2,000-3,000 जितना से आप खोलना चाहें वो खुल सकता है आपका अकाउंट। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पेमेंट की, तो दोनों ही में पेमेंट आ जाता है, लेकिन करेंट अकाउंट में थोड़ा फास्टली पेमेंट आता है, सेविंग अकाउंट में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि करेंट अकाउंट की रीच होती है वो ज़्यादा होती है बैंक में, हम सेविंग अकाउंट की इतनी रीच नहीं होती है, लेकिन उनका चार्ज भी अलग होता है। तो स्टार्टिंग में अगर आप यूट्यूबर हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सेविंग अकाउंट ही ओपन करवाएं, लेकिन आपको बैंकों का ध्यान रखना। छोटी बैंक का सेविंग अकाउंट होगा तो उसमें पेमेंट नहीं आती है, बड़ी बैंक का सेविंग अकाउंट होगा तो उसमें पेमेंट ईजिली आ जाती है, वो आपके स्विफ्ट कोड के ऊपर निर्भर रहता है। करंट अकाउंट में तो पेमेंट तुरंत ही आ जाती है, 2 से 3 दिन का अंतर टाइम लगता है और पेमेंट आपकी बैंक में आ जाएगी। तो मैं प्रेफर करूँगा अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आपका खुला है ऑलरेडी, तो आप वो अपना लगा सकते हैं, अलग से नहीं खुलवाएं। सेविंग अकाउंट जो लगवाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बैंक बता दूँगा, आप या तो बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर SBI, ये दो बैंक बेस्ट हैं सेविंग अकाउंट के नज़रिए से बात कर रहा हूँ मैं। सेविंग अकाउंट अगर आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा और उसका SBI का, तो आपकी पेमेंट सेविंग अकाउंट में भी आ जाएगी बहुत ही ईजी तरीके से। ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम लगता है वो 4 से 5 दिन का लगता है सेविंग अकाउंट में, और करेंट अकाउंट में 2 से 3 दिन। तो दोनों ही के अलग अलग फ़ायदे हैं, दोनों ही के अलग अलग नुकसान हैं। अगर आपको जल्दी पेमेंट चाहिए तो आप करेंट अकाउंट को चूज़ करें, अगर आपको थोड़ा 4-5 दिन वेट हो जाएगा तो आपको सेविंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप सेविंग अकाउंट लगा सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट अच्छी बैंक का होना चाहिए, कोई छोटे बैंक का नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए बाय।